एंटी करप्शन ब्यूरो अजमेर ने ब्यावर वन विभाग के रेंजर वे वन रक्षक को 50,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को एसीबी अजमेर की टीम ने वन विभाग के देलवाड़ा रोड स्थित कार्यालय पर ही ट्रैप की कार्यवाही को अंजाम दिया। एसीबी एएसपी बागचंद ने बताया कि पाली जिले के सोजत निवासी मोहितास गुप्ता ने गत 26 मार्च को शिकायत देकर बताया कि ब्यावर वन विभाग रेंज कार्यालय ब्यावर के रेंजर नितिन शर्मा वे वन रक्षक नरसिंह रायका द्वारा गत 24 मार्च को इंग्लिश बबूल के कोयले से भरा ट्रक जिसमें 800 बोरी कोयले की भरी थी जिसकी 6 लाख रुपए कीमत थी। ट्रक में भरे कोयले को मसूदा से भरतपुर सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। कोयले के ट्रक की परिवहन अनुमति भी कटी हुई थी जिसके बावजूद भी रंजन ने वन विभाग के समीप देलवाड़ा पुलिया पर पकड़ लिया और छोड़ने की एवज में रंजन नितिन शर्मा ने 2.5 लाख रुपए की मांग की। राशि देने की बात पर परिवादी द्वारा सहमति के बाद रंजन शर्मा ने कुछ जुर्माना राशि लेकर ट्रक को छोड़ दिया लेकिन की गई राशि के लिए उसे पाबंद किया जिसके बाद परिवादी द्वारा 1,85,000 रुपए की राशि रेंजर नितिन शर्मा को दी गई। हालांकि एसीबी केवल नगद दिए 85,000 रुपए की राशि ही स्वीकार कर रहा है जबकि 1 लाख रुपए परिवादी के द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे जिसके बाद शेष राशि 65,000 रुपए के लिए रेंजर शर्मा के द्वारा परेशान किया जाने लगा जिस पर परिवादी के द्वारा दी गई शिकायत पर शुक्रवार को अजमेर एसीबी एएसपी भगवान के नेतृत्व में टीम ने परिवादी मोहिताश गुप्ता के द्वारा शेष राशि 50,000 रुपए देते हुए रेंजर नितिन शर्मा तथा वन रक्षक नरसिंह रायका को वन विभाग के देलवाड़ा रोड कार्यालय पर ट्रैप की कार्यवाही को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी ने आरोपी रेंजर नितिन शर्मा तथा वन रक्षक नरसिंह रायका के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में हमें प्राप्त हुआ कि जो विलायती बबूल का कोयला राजस्थान से यहाँ से भर करके और झारखंड बिहार की तरफ जाता है उसकी वैलिड टीपी होते हुए भी जो ब्यावर के वन नाके पे रेंजर और एक वनपाल ने उसका डिपोट पाया और उसको छोड़ने के एवज में पहले कुछ राशि प्राप्त कर ली गई थी लगभग 85,000 और उसके बावजूद भी उसे और डिमांड कराई गई। इस संबंध में हमने कल डिमांड वेरिफिकेशन कराया और डिमांड वेरीफाई होने के बाद आज उसके ट्रैप की कार्रवाई की है। नितिन शर्मा जो रेंजर हैं और एक नर्सी है वनपाल। अच्छा सर, इसके पहले भी जिस तरह को बताया जा रहा है कि आखिरकार इंट्रोड्यूस नितिन शर्मा को जो किसने इंट्रोड्यूस कराया था एक इस तरह की वार्ता है कहीं ना कहीं अभी चूँकि परिवादी से और इनके यदि कोई इस संबंध में कोई मोबाइल रिकॉर्डिंग है या कुछ बातचीत है तो उसके संबंध में अनुसंधान में आएगा। अभी प्रथम दृष्टा इस संबंध में नहीं है। अभी कैश कितना दिया सर? 50,000 को लेते हैं रंगे हाथों। स्थान कहाँ था? ये वनपाल नाका है जो रेंजर ऑफिस में। टोटल राशि कितनी मांगी? इन्होंने डिमांड तो 2.5 लाख की थी और 85 ले लिए थे और कुछ मांग रहे थे फिर इनके 50 में सेटल हुआ था। 50 आज डिलीवर करते हुए रंगे हाथों। सर किसी राजेंद्र सिंह जी का भी नाम आ रहा है उनके खाते में पैसे डाले गए? वो अभी इन्वेस्टिगेशन में करेंगे कि इन्होंने कहीं ऑनलाइन ट्रांसफर कराया है या कहीं किसी और से बातचीत की है तो उसके संबंध में चल रहा है। एसी वगैरह की डिमांड की थी सब? वो अभी जब डिमांड वेरिफिकेशन का और चीज़ डिटेल से सुनेंगे सब अनुसंधान में। अभी किस किस को उसमें अरेस्ट में लिया है? नितिन शर्मा और नर्सी। नितिन शर्मा रेंजर है और नर्सी बनता है।